हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएपी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या लेसन 46, जहां पर हम देखेंगे कि हमें अपना इंट्रो कैसे देना है। बट पहले आपको ये समझना होगा कि हमारा जो इंट्रो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलता रहता है। यानी हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर हम इंट्रो दे कहाँ पे रहे हैं। हम अपना इंट्रो किसी क्लास में दे सकते हैं, किसी स्टेज पर देना पड़ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी जॉब के लिए जाएं और अपना इंट्रो हमें इंटरव्यूअर के सामने देना पड़े। तो आपको माइंड करना होगा कि आपका इंट्रो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू प्लेस बदलता रहेगा। क्योंकि अगर हमने बात इंटरव्यूअर के सामने अपना इंट्रो देने की थी, तो उस कंडीशन में आपको माइंड करना होगा कि जो इंटरव्यूअर होते हैं वो हमारे रिलेटिव नहीं होते हैं। वो नहीं जानना चाहते कि हमारे दादाजी क्या करते हैं, हमारे चाचा जी क्या करते हैं। वो सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि क्या मैं उस जॉब के लिए फिट हूँ, क्या मैं उनको किसी तरीके से फायदा पहुंचा सकता हूँ, मैं उस जॉब के बारे में कितना जानता हूँ, या फिर उस जॉब में मेरा कितना एक्सपीरियंस है। तो माइंड कीजिएगा, आपका जो इंट्रो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलता रहेगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। कुछ बच्चों के इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, उनको आपको ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा कि किस कंडीशन में हमारा इंट्रो कैसे होगा। इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर हम इंट्रो देते समय कौन कौन सी गलतियां करते हैं और क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, लेसन को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं क्या आज का लेसन 46। फ्रेंड्स, अब आपको ये समझना होगा कि आखिर आप अपने इंट्रो की शुरुआत कैसे करें। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट यहाँ पर लिख के रखे हुए हैं। जैसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, ग्रीट। और ग्रीट का मतलब क्या होता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोलना। हाँ या हेलो भी हमारा ग्रीट के अंतर्गत ही आता है। बट आपको ये समझना होगा कि जो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून था वो हमारा फॉर्मल तरीका कहलाता है, और जो हाय और हेलो था वो हमारा इनफॉर्मल तरीका कहलाता है। तो आपको माइंड ये करना है कि अगर आप अपना इंट्रो टीचर के सामने देने जा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के सामने देने जा रहे हैं जिसको आपको रिस्पेक्ट भी देना है, तो आप फॉर्मल तरीका यानी गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग यूज़ कीजिए। और अगर बात दोस्तों के सामने इंट्रो देने की है, तो आप बिल्कुल वहाँ पर हाय या हेलो का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ठीक बाद आप देखिए, आपको आपका नाम, आपकी एज, कहाँ आप रहते हैं, और उसके बाद आपको आपकी क्वालिफिकेशन यानी आपको आपकी एजुकेशन बतानी होती है। ठीक इसके बाद आप अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। फिर आपको आपकी फैमिली के बारे में यानी आपके मम्मी पापा, भाई और बहन, इन सब के बारे में बताना होता है। ठीक इसके बाद आप अपनी हॉबी की बात कर सकते हैं कि आपको फुर्सत के समय में क्या करना अच्छा लगता है। आगे देखें तो आपको आपको स्किल्स, आपकी स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें बतानी है। फिर आपको आपका लाइफ का एम बताना है, आपके रोल मॉडल या फिर आपके आइडियल पर्सन यानी आपके आदर्श कौन है, ये बताना होगा। और एंड की बात करें तो आप बिल्कुल बोलते बोलते रुक जाएं और वहाँ से उठकर जाके अपनी जगह पर बैठ जाएं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, इस बात को माइंड कीजिएगा। आपकी एंडिंग कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि इट्स ऑल अबाउट मी या फिर दैट्स ऑल अबाउट मी। इन दोनों में से कोई भी एक सेंटेंस बोलकर ही आप थैंक यू बोलें और उसके बाद ही आप स्टेज को छोड़ सकते हैं। तो इस बात को माइंड कीजिएगा, आपकी एंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ पर गलतियाँ करते हैं। तो पहली बात करते हैं क्या नाम बताने की। नाम बताते समय आप कई तरीके यूज़ कर सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो माई नेम इज़ रवि, आई एम रवि, या फिर दिस इज़ रवि हियर। और ये तीनों तरीके ठीक हैं, आप तीनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। माइंड कीजिएगा, बोलते समय हम लोग कभी कभी माई सेल्फ भी यूज़ कर लेते हैं, बट ये बोलते समय ठीक है, लेकिन आप यूज़ ना ही करें तो ही बेहतर है, क्योंकि ये ग्रामर में ठीक नहीं है। तो आपको तीनों तरीके यानी माई नेम इज़ रवि, आई एम रवि, या फिर दिस इज़ रवि हियर करके आप बोल सकते हैं। दूसरी बात, जैसे ही बात आती है क्या फैमिली की, तो हम यहाँ पर बोल देते हैं क्या माई फादर नेम इज FATHER, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, नेम, जो कि बोलना गलत हो गया। माई फादर नेम इसका मतलब हो गया मेरे पिताजी नाम है, और हमें क्या बोलना होता है, मेरे पिताजी का नाम। तो उस का की अंग्रेजी बनाने के लिए हमें क्या लिखना होता है, apostrophe s, और बोला कैसे जाता है, फादर्स नेम इज। इसी तरह के मम्मी का नाम होगा तो आपको बोलना होगा मदर्स नेम इज, हस्बैंड्स नेम इज। तो आपको माइंड करना है, जब भी आप नाम बताएंगे तो आपको apostrophe s जोड़ कर ही बोलना होगा। लिखने की बात हो तो आपको लिखना इसी तरीके से पड़ेगा, यस को आप साथ में जोड़ कर लिख नहीं सकते हैं। दूसरी बात आती है कि जब भी हम हॉबी की बात करते हैं तो भी हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। जैसे माइंड कीजिए कि अगर आपकी हॉबी एक से ज़्यादा है तो आपको बोलना पड़ेगा वहाँ पर कि माई हॉबीज आर। बट हम लोग करते क्या है कि हम लोग बोलते हैं माई हॉबी इज सिंगिंग एंड डांसिंग,
जब आपकी हॉबी एक से ज्यादा हो जाए तो आप हॉबी इज नहीं बोल सकते, आपको बोलना पड़ेगा क्या, माय हॉबीज आर सिंगिंग एंड डांसिंग। और अगर आपको शौक एक है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं माय हॉबी इज सिंगिंग। बट बेहतर ये है कि आप हॉबी यूज ही ना करें, आप लाइक से बोलिए कि आई लाइक डांसिंग, आई लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग। अब आपके शौक एक हो या फिर एक से ज्यादा, अगर आपने लाइक का यूज किया है तो वहां पर आपका सेंटेंस बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होगा। अब मैं कुछ इंट्रोडक्शन आपके सामने सुनवाने जा रहा हूँ, इनको ध्यान से सुनिए और सारी चीज़ों को एक कॉपी में नोट डाउन कर दीजिए और आप भी इसी तरीके से बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। हाय एवरीवन, इट्स रियली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी हियर। फ्रेंड्स, आई एम हियर टू डिस्क्राइब माई सेल्फ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। This is Jatin Sen before you. I am only 20 years old. I am from Rewa and I have just graduated from APS University. Apart from my parents, I have two siblings. My both siblings are younger to me. My father's name is Mr. Banasi Sen and he is a businessman. My mother's name is Mrs. Durga Sen and she is a queen of house. If I would talk about my nature, then I would say that I am a straightforward man. I never compromise with dishonesty in work. I like dancing, singing, and I also like gardening. To become a successful person and great son in my parents' eye is aim of my life. My role model is Lord Krishna. It's all about me. Thank you. It's a warm morning to one and all present here. Guys, I am gonna tell you about myself. I am Ragni Tiwari. I am 33 years old. I am a businesswoman as well as a housewife. I am basically from Delhi but currently residing at Azad Nagar in Rewa. I have completed my schooling from Delhi Public School and graduated from APS University, Rewa. I am pursuing MA from APS University. My husband's name is Mr. Naveen Tiwari. He is a panchayat secretary. I have two offsprings. Both are students. I like reading spiritual books and I also like spending time with my family. As far as my skills and strengths are concerned, I am a good listener, reader and communicator. I really concerned about my country and society. So I wanna establish myself as a social worker. That's all about me. Thank you. Good morning to one and all present here. This is Asta Verma before you. Today I am here to introduce myself. So getting this chance, I am very grateful to you. Now please allow me to speak. I am a student of class 9th. I am 13 years old. My father's name is Mr. Nankishore Verma and he is a businessman. My mother's name is Mrs. Savita Verma and she is a lovely homemaker. I am single. I like singing, dancing and reading. I want to become a successful doctor. My ideal person is my grandfather. So it's all about me. Thank you. Hello everyone, it's really an honor to be here. Friends, I am here to represent myself. So first of all, I would like to thank all of you. This is Mona Dube before you. I am 29 years old. I am from Indore. I have completed my education and looking for a job. I have 12 members in my family. My father-in-law is the head of my family. His name is Dr. Vimal Dube. He is a doctor. My husband's name is Mr. Anshal Dube. He is a businessman. I have two issues. Both are students. I am religious, so I like reading holy books. I also like playing with my kids. The great Swami Vivekananda is my role model. I really follow him. I want to become an honest teacher because it is respected job in our society. It's all about me. Thank you. Excuse me, sir. May I come in? Please come in. Sir, this is my CV. Have you seat, please? Thank you, sir. Nice. Let me know about you. Sure, sir. My name is Shravan Kumar Gupta. I am 30 years old. Basically, I am from Indore but currently residing in Rewa. I have completed MSc from APS University. I have also a diploma in computers. Teaching is in my blood because my father has been a teacher for last 20 years. I have also a 5 years of teaching experience. My mother is a housewife. I have two siblings and both have got married. As far as my skills and strength are concerned, I am a good writer, listener and communicator. To make the people educated is the motto of my life. That's why I like teaching. Sometimes I also like listening to music. That's all about me. Okay, Mr. Shravan, I will call you.